गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। डीएफओ से बरामद नकदी मामले में विजिलेंस ने शुरू की जांच। डीएफओ से बरामद नकदी मामले की जांच विजिलेंस ब्यूरो करेगा। जांच की अनुमति सरकार ने दे दी है। साल 2022 में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान 22 अक्टूबर को तत्कालीन डीएफओ बिलासपुर की गाड़ी से 1,07,000 रुपये कैश बरामद हुआ था। एजेंसी करीब डेढ़ साल से जांच की अनुमति का इंतजार कर रही थी। अब प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत अनुमति दे दी है। अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र राणा को झटका, ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर की कार्यकारिणी भंग। अयोग्य घोषित विधायक राजेंद्र राणा के गृह विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर की सिफारिश पर प्रदेश कांग्रेस की अनुमति से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुजानपुर को भंग कर दिया गया है। राणा समर्थक ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, जिला कांग्रेस महासचिव जोगेंद्र ठाकुर, ब्लॉक महासचिव डॉक्टर अशोक राणा और सुजानपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमन अटवाल को पदमुक्त किया गया है। यह नेता कुछ दिनों से राजेंद्र राणा के समर्थन व सीएम सुक्खू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश, नशा मुक्ति केंद्र पर सकारात्मक सोच दिखाए प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नशा मुक्ति केंद्र खोलने की नीयत पर तीखी टिप्पणी करते हुए सकारात्मक सोच दिखाते हुए ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए। राज्य सरकार ने कोर्ट को केवल यह बताया कि सभी जिला अस्पतालों, नागरिक चिकित्सालयों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति सुविधाएँ शुरू कर दी गई हैं। कोर्ट ने इसे नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि इस मुद्दे से निपटने में सरकार कतई गंभीर नहीं है। इससे पहले सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र खोलने में बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता बताई थी। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश जोसन रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रदेश में नशाखोरी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। सरकार से उम्मीद है कि वो नशा मुक्ति में तेजी लाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करेगी, परंतु इसके लिए बड़े पैमाने पर भूमि की तलाश करने पर अड़ना सरकार की मंशा को जाहिर करता है। समुद्र में डूबने से ज्वाली के युवक की मौत, मुंबई में अंतिम संस्कार, इंजीनियर के पद पर कार्यरत था पंकज। उपमंडल ज्वाली के अधीन पंचायत चलवाड़ा के 38 वर्षीय पंकज जम्बाल की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। युवक के निधन की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पंकज जम्बाल पुत्र कन्याल सिंह मर्चेंट नेवी में थर्ड इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और जाखो में से सूरत आने वाले अंबुजा सीमेंट के जहाज पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। 13 मार्च को अंबुजा शक्ति जहाज के अधिकारियों द्वारा पंकज जम्बाल के लापता होने की सूचना परिजनों को दी गई थी। 9वीं से 12वीं कक्षा वाले स्कूलों में बनेंगे करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल। हिमाचल प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा वाले सरकारी स्कूलों में करियर काउंसलिंग और गाइडेंस सेल गठित किए जाएंगे। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को भविष्य की राह चुनने में भी मदद की जाएगी। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में प्रमुख व्यक्तित्व और उच्च अधिकारी बुलाए जाएंगे। उच्च शिक्षण निदेशालय ने इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को लिखित निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इस बाबत जल्द कार्रवाई करते हुए निदेशालय को सूचना देने के लिए कहा है। कांग्रेस की प्यारी बहना योजना के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा। कांग्रेस सरकार की प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई है। पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायकों के साथ राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
जयराम ठाकुर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया कि कांग्रेस सरकार चुनावों के दौरान नारी शक्ति योजना के फॉर्म भरवा रही है, जिसके तहत महिलाओं को 1500-1500 दिए जाने हैं। फॉर्म पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की फोटो लगी है। विधानसभा चुनावों के समय भी कांग्रेस ने इस तरह के फॉर्म भरवाए थे। भाजपा ने कहा कि प्रदेश भर में लगे श्री राम और श्री राम मंदिर के पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं, जिसका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस नेताओं के पोस्टर नहीं हटे हैं। भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से तुरंत योजना के फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद करवाने की मांग की। उधर मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी का प्रतिनिधिमंडल भी राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान की अगुवाई में मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला और प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को बदस्तूर जारी रखने की मांग की। तर्क दिया कि यह योजना कुछ महीने पहले लाहौल स्पीति जिला से लागू हो चुकी है और हजारों महिलाएं इस योजना के लिए फॉर्म भरवा चुकी हैं। कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी को और बड़ा दबाव, हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को रिप्रेजेंटेशन पर फैसला लेने को कहा। हिमाचल के सरकारी विभागों में नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता देने के मामले में राज्य सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। राज्य सरकार ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में केस हार चुकी है। इस केस में हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों को पहली नियुक्ति से सीनियोरिटी का लाभ देने का फैसला सुनाया है। अब इसी फैसले के आधार पर शिक्षा विभाग के क्लैरिकल स्टाफ की याचिका हाईकोर्ट गई थी। इसमें चेतन कुमार, हरदीप कुमार, सुखविंदर कौर और तरुण कुमार याचिका करता हैं। इस केस में भी कर्मचारियों ने ताज मोहम्मद और अरुण कुमार केस का हवाला देते हुए अनुबंध की सेवाओं के अन्य सेवा लाभ मांगे थे। शिक्षा विभाग ने खाली पद भरने को प्रिंसिपल किए इधर से उधर, इन स्कूलों में दी नियुक्ति। प्रदेश में आचार संहिता के बीच प्रदेश के 29 स्कूलों में खाली पदों पर प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई है। दरअसल दूसरे स्कूलों में इन प्रिंसिपल के तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से ये तबादला आदेश जारी किए गए। इसमें कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर जिला के स्कूलों में लंबे समय से प्रिंसिपल के पद खाली पड़े थे, ऐसे में अब इन स्कूलों में नई नियुक्ति कर दी गई है। गौर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों प्रिंसिपल के सैकड़ों पद खाली चल रहे हैं। स्कूलों में अब नया सत्र भी शुरू हो गया है, ऐसे में जल्द से जल्द स्कूलों में प्रिंसिपल के खाली पदों को भरने की डिमांड की जा रही है। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम, दुआ तवीजों द्वारा किया कराया, घर में खून के छींटे आना, चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।